हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेन पार्ट्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। दिस आर द मेन पार्ट्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। फर्स्ट वन इज ऑयल पंप, नेक्स्ट सेकेंड इज रिलीफ वाल्व, नंबर थ्री इज ऑयल फिल्टर्स एंड नंबर फोर इज ऑयल कूलर्स। तो यहाँ पे ये चारों का बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे ऑयल पंप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑयल पंप क्या क्या कौन सा क्या करते हैं, देखो। द ऑयल पंप इज़ यूज टू पंप ऑयल फ्रॉम द ऑयल सम टू द ऑयल गैलरीज एट अ सर्टेन प्रेशर। मतलब जो ऑयल होगा, ऑयल पंप जो है, ऑयल सम से उसको सक्शन करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे टू द ऑयल गैलरीज, मेन ऑयल गैलरी में उसको डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। ऑयल सम से सक्शन करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे मेन ऑयल गैलरी में एट अ सर्टेन प्रेशर, उसको एक मिनिमम एक ऑपरेटिंग प्रेशर में उसको भेज देंगे, ठीक है। तो ये काम है आपका ऑयल पंप का। टाइप्स ऑफ ऑयल पम्प, देर आर फोर टाइप्स: गेयर टाइप ऑयल पम्प, रोटर टाइप ऑयल पम्प, वैन टाइप ऑयल पम्प एंड प्लंजर टाइप ऑयल पम्प। दिस आर द फोर टाइप्स। तो पहला वाला जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, गेयर टाइप ऑयल पम्प। इस डायग्राम में देखो, दिस इज द गेयर टाइप ऑयल पम्प। एक डायग्राम है यहाँ पे, स्केमेटिक डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर वन जो है वो आपका पम्प केसिंग है, नंबर टू आपका गेयर है दोनों तरफ, ठीक है। एक ड्राइवर गियर होगा और एक ड्रिवन गियर होगा, मतलब एक एक गियर दूसरा गियर को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा, एरो मार्क से दिख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ओपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, कैमशाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। नंबर थ्री इज इनलेट साइड, नंबर फोर इज आउटलेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, व्हेन द गियर रोटेट, जब आपका गियर रोटेट होगा उस समय आपका एक वैक्यूम क्रिएशन होगा पंप हाउसिंग का अंदर, उसके कारण ऑयल जो है सक्शन हो रहा है। जब आपका गियर रोटेट होगा उस समय आपका अंदर वैक्यूम क्रिएशन हो रहा है और ऑयल जो है सक्शन हो रहा है पंप हाउसिंग का अंदर, ठीक है। आपका जो यार ऑयल जो होगा यहाँ से सब आएंगे, जब आपका गियर रोटेट होगा उस आने के बाद यहाँ पे चला जाएंगे, गियर टीथ में ट्रैप हो जाएंगे सब गियर टीथ में ट्रैप होके वो गियर जो है वो कंप्रेस करेंगे ऑयल को और डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। ऑयल इज सक थ्रू इनलेट साइड से सक्शन होगा और डिस्चार्ज करेंगे ऑयल गैलरी में थ्रू द डिस्चार्ज आउटलेट साइड, ठीक है। ऑयल जो है सेंटर में कभी भी पास नहीं होता। कहाँ पर होगा ऑयल जो है, ट्रैप हो जाएंगे पेरीफेरी में, ठीक है। पंप हाउसिंग जो भी गियर टीट होगा वहाँ पे ट्रिप हो जाएंगे बाहर में, ये जो एरिया है पेरीफेरी में ट्रिप होगा, ठीक है। तो ये होता है गियर टाइप ऑयल पम्प। तो गियर टाइप ऑयल पम्प में क्या हो रहा है, आपका एक दो गियर होता है, ठीक है, जो कि पंप हाउसिंग में प्रेजेंट है। जब गियर रोटेट होगा अंदर में वैक्यूम क्रिएशन होगा, वैक्यूम क्रिएशन होने के कारण ऑयल जो है सक्शन हो रहा है, ठीक है। सक्शन होने के बाद पेरीफेरी में गियर जो है आपका जो ऑयल वो ट्रिप हो जाता है गियर टीट में, ट्रिप होने के बाद डिस्चार्ज साइड से निकल जाता है वो, ठीक है, मेन ऑयल गैलरी में। तो ये है आपका गियर टाइप ऑयल पम्प, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रोटर टाइप ऑयल पम्प। तो रोटर टाइप ऑयल पम्प में नंबर वन जो है आपका इनर रोटर है, नंबर टू जो है आपका आउटर रोटर होगा और नंबर थ्री जो है आपका पम्प हाउसिंग। तो पम्प हाउसिंग में आपका दो रोटर है, एक इनर ड्राइविंग रोटर और एक नंबर टू जो है आउटर ड्राइविंग रोटर। तो यहाँ पे रोटर में फोर लोब्स होते हैं, रोटर्स में क्या प्रेजेंट है, लोब्स प्रेजेंट है, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको लोब्स बोलते हैं, ठीक है, ये जो पॉइंटेड पार्ट है उसको लोब्स बोलते हैं, ठीक है। तो द रोटर टाइप ऑयल पम्प कंसिस्ट ऑफ एन इनर ड्राइविंग रोटर एंड आउटर ड्राइविंग रोटर व्हिच रोटेट्स फ्रीली इन द पम्प हाउसिंग। तो दोनों रोटर जो है आपका पम्प हाउसिंग में फ्रीली रोटेट होता है, ठीक है। तो ऑयल कैसे सक्शन करेंगे, देखो, जब आपका रोटर रोटेट होता है उस समय आपका ऑयल जो है जहाँ पे रोटर टीथ के बीच में मैक्सिमम वॉल्यूम होगा उस समय आपका जो ऑयल जो है हाउसिंग का अंदर आएंगे, ठीक है, पम्प हाउसिंग का अंदर आएगा। कब आएंगे, जब आपका रोटर टीथ के बीच जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, पकड़ लो, तो उस समय आपका इनलेट साइड से ऑयल जो है अंदर आएंगे। ऑयल विल बी सक व्हेन द वॉल्यूम बिटवीन द रोटर विल इंक्रीज। जब आपका रोटर के बीच वॉल्यूम इंक्रीज होता है उस समय आपका ऑयल जो है सक्शन होते हैं, ठीक है। उस सक्शन होने के बाद डिस्चार्ज कब होता है, व्हेन द वॉल्यूम डिक्रीजेज बिटवीन द रोटर टीथ, पकड़ लो, यहाँ पे वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो गया उस समय आपका ऑयल जो है कंप्रेस होके निकल जाता है वहाँ से थ्रू द आउटलेट साइड, थ्रू द डक्ट साइड, ठीक है। तो ये होता है आपका रोटर टाइप ऑयल पम्प, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन इज वैन पम्प।
वैन पम्प ऑयल पम्प, ठीक है, वैन टाइप ऑयल पम्प। तो यहाँ पे मेन पार्ट जो है, देखो फर्स्ट नंबर वन इज रोटर। तो नंबर वन जो है ये आपका रोटर है, ये पूरा आपका क्या है, रोटर है, ठीक है। रोटर में क्या फिट किया गया है, वेन्स फिट किया गया है, स्प्रिंग लोडेड वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका नंबर थ्री, नंबर टू हो गया, नंबर थ्री आपका इनलेट साइड, ठीक है, यहाँ पे इनलेट डक है। नंबर फोर जो है ये वाला होल प्रेजेंट होगा पम्प हाउसिंग में, उसको बोलते हैं आउटलेट, ठीक है, या डिस्चार्ज डक। तो क्लियर, तो देखो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। इन द वेन टाइप ऑयल पम्प द रोटर रोटेट्स इसेंट्रिसिटी के इसेंट्रिकली द पम्प हाउसिंग। इन द पम्प हाउसिंग स्प्रिंग लोडेड वेन्स स्लाइड अगेंस्ट द पम्प हाउसिंग वॉल्स। तो आपका यहाँ पे जो वेन, आपका जो वेन्स होगा वो स्लाइड करते रहेंगे, ठीक है, आपका पम्प हाउसिंग में, ठीक है। जब आपका रोटर रोटेट होगा उस समय आपका वेन्स जो है वो स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के कारण अंदर में एक वैक्यूम क्रिएशन होगा, उसके कारण जो है सक्शन हो रहा है अंदर, ठीक है। रोटर, जब आपका रोटर रोटेट होगा उस समय आपका इनलेट साइड से ऑयल जो है सक्शन हो रहा है पम्प हाउसिंग का अंदर, ठीक है, थ्रू द इनलेट साइड। उसके बाद वो डिलीवर कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे थ्रू द डिस्चार्ज डक। नंबर फोर से आपका जो भी ऑयल होगा वो कंप्रेस होकर निकल जाएंगे थ्रू द डिस्चार्ज डक। यहाँ पे आपका जो वेन जो है वो देखो स्लाइडिंग, आपका जो पम्प वॉल्स हाउसिंग में वो स्लाइड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ पे गैप है और यहाँ पे क्लोज है। तो उसके कारण आपका जो ऑयल है वो कंप्रेस होकर डिस्चार्ज हो रहा है आउटलेट, ठीक है, आउटलेट डक में। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन इज प्लंजर टाइप ऑयल पम्प। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक प्लंजर होगा जो कि सिलेंडर में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करते रहेंगे, और यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व होगा, एक इनलेट साइड में और एक आउटलेट साइड में, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे इनलेट साइड में बॉल जो कि आपका नॉन रिटर्न वाल्व है, और यहाँ पे आउटलेट में भी एक नॉन रिटर्न वाल्व होगा। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब एक ही डायरेक्शन में ऑयल पास होगा, फिर नॉन रिटर्न मतलब वो फिर से रिटर्न नहीं होगा, एक ही साइड में आ सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन रिटर्न बल्ब्स। तो प्लंजर टाइप ऑयल पम्प में आपका दो नॉन रिटर्न बल्ब्स होते हैं, एक सक्शन साइड में और एक डिलीवरी साइड में, ठीक है, आउटलेट साइड में। जब आपका प्लंजर अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होगा तो इनलेट साइड से अब ऑयल जो है सक्शन होगा, ठीक है। सक्शन होने के बाद जब डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा उस समय आपका इनलेट बल्ब जो है क्लोज हो जाएंगे, उसी समय आपका डिस्चार्ज बल्ब मतलब आउटलेट बल्ब जो है क्लोज ओपन हो जाता है, उसी से आपका जो भी ऑयल होगा वो सब निकल जाते हैं। ड्यूरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रोक द इनलेट वाल्व क्लोजेस एंड द रिटर्न वाल्व ओपन्स एंड परमिट्स द ऑयल फ्लो टू द मेन ऑयल पम्प, ठीक है। आपका यहाँ से जो भी ऑयल होगा जब डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा तो उस समय आपका इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएंगे, और उसी समय आपका जो भी डिस्चार्ज साइड में जो भी वाल्व होगा वो ओपन हो जाएंगे, और वहाँ से जो भी ऑयल होगा पम्प कर देंगे, उसको डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम है आपका प्लंजर टाइप ऑयल पम्प में, ठीक है। दिस आर द फोर टाइप्स हमने डिस्कस किया है अभी, फोर टाइप्स ऑफ ऑयल पम्प, ठीक है। फर्स्ट वन इज गियर टाइप ऑयल पम्प, जिसमें आपका गियर होगा, दोनों गियर, ठीक है, दो गियर होगा जो कि पम्प हाउसिंग में रोटेट कर रहा है, ठीक है। ऑयल को पेरीफेरी में पास करेंगे, ऑयल टिप में ट्रैप हो जाएंगे और इनलेट साइड जाएंगे और डिस्चार्ज साइड से वो निकल जाएंगे, ठीक है, ऑयल पास हो जाएंगे। नेक्स्ट में रोटर टाइप होगा, जिसमें आपका दो रोटर होता है, एक इनर रोटर, इनर ड्राइविंग रोटर, और एक आउटर ड्राइविंग रोटर जो पम्प हाउसिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। और सक्शन कब होगा, जब आपका वॉल्यूम रोटर टिप के बीच जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है उस समय आपका ऑयल जो है सक्शन होता है। और डिस्चार्ज कब होगा, जब आपका ऑयल रोटर टिप के बीच ऑयल वॉल्यूम कम हो जाता है उस समय आपका ऑयल जो है डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वैन पम्प, देखो आपका पंप हाउसिंग में एक रोटर होगा जिसमें वेन्स को फिट किया गया है, और वेन्स जो है आपका स्लाइडिंग करता रहता है आपका वॉल्स में, ठीक है, पंप हाउसिंग वॉल्स में स्लाइड करता रहता है, ठीक है। तो उसके थ्रू ही आपका ऑयल जो है सक्शन हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट वन इज प्लंजर टाइप ऑयल पम्प। तो प्लंजर में एक प्लंजर होगा जो आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे सिलेंडर के अंदर, ठीक है। उसमें इसमें आपका इनलेट साइड में एक नॉन रिटर्न वाल्व होगा और एक आउटलेट साइड में भी नॉन रिटर्न वाल्व होगा, ठीक है। तो जब अपवर्ड होता है तो सक्शन होगा, जब डाउनवर्ड होता है तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फोर टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिलीफ वाल्व में, ठीक है, जो अभी हम लोग ने बात किया था पहले, रिलीफ वाल्व। जितना भी यहाँ पे ऑयल जो है सक्शन होने के बाद डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको जो भी प्रेशर में निकल रहा है ऑयल उसको एक्सेस प्रेशर में हम लोग नहीं भेज सकते,
ठीक है, ऑपरेटिंग एक ऑपरेटिंग प्रेशर होगा, उसमें भेजना होगा ऑयल को डिलीवर, ठीक है। तो वो जो काम कर रहे हैं आपका रिलीफ वाल्व करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर, थैंक यू।